कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा तिसंगोऽस्तु विकर्मणि। औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। अरे तू आ गया बेटे। क्या बात है बेटा, कहीं फिर तुझे आज उन लोगों ने? ऐसी कोई बात नहीं माँ। तो फिर क्या बात है? उस दिन तुम पिंकी के घर गई थी ना? हाँ बेटा गई थी, मुझे जाना पड़ा क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने तुझे रास्ते में रोका, धमकी दी और जिस तरह नम्रता और जगताप इसमें शामिल हैं, ये सब तो उन्हें बताना पड़ा ना बेटा। लेकिन बात क्या हुई है? बात क्या होगी माँ, पिंकी अजीब बेवकूफ लड़की है जिसकी वजह से डैडी से मेरा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से घर छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, जिसकी वजह से जगताप जैसे गुंडे से टक्कर ली। वो पागल लड़की कहती है कि मैं उसे भूल जाऊं, वो डरपोक लड़की कहती है कि अगर उसकी वजह से मुझे कुछ हो गया तो वो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगी। मां तुम बताओ क्या ये बात ठीक है? बेटे पिंकी ने ये बात यूं ही नहीं कही, वो लड़की जात है और जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है ना तो वो उसकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी कुर्बानी दे सकती है। लेकिन तेरे लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ जितनी आसानी से उसने तुझे कह दिया ना कि तू उसे भूल जाए, स्वीकार किया है। अपनी खुशियों के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़की ये काम बहुत आसानी से कर जाती है। लेकिन माँ मैं क्या करूं? माँ आज पहली बार मुझे अपनी तन्हाई का एहसास हो रहा है, अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा है। आज एक फ्रेंडली मैच था, मैं वहां भी नहीं गया। माँ तुम जानती हो कि खेल मेरा सबसे पहला प्यार है, लेकिन पिंकी की प्यार की वजह से मैंने उस पहले प्यार को ठुकरा दिया। अब मैं नहीं जानता कि मैंने सही किया या गलत। बेटे ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया है वो स्वाभाविक है, तुमने बिल्कुल सही किया है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ना। अगर आज अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ोगे ना तो कल को आने वाली खुशियों से दूर हो जाओगे। रही बात पिंकी की, तो उसने ऐसा क्या कह दिया बेटा? माँ वो मुझसे मिलना जुलना बंद करना चाहती है इस डर से कि मेरी वजह से उसे कुछ ना हो जाए। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखो, उसका ध्यान मैं रखूंगी।
मैंने उसे अपनी बहू स्वीकार किया है। अब वो इस घर की इज्जत है, मर्यादा है। और बेटा, मैं भी क्षत्राणी हूँ, जरूरत पड़ी तो उसे तुम्हारे लिए उसके घर से भी उठा कर ले आऊंगी। रही बात नम्रता और जगताप की, मेरी ममता के आगे वो टिक नहीं पाएंगे बेटा। तू चिंता मत कर, जा जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। माँ, अगर तुम क्षत्राणी हो तो मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ। वहां से निकल चुकी है। अच्छा, आप ये बताएंगे कितनी देर पहले निकली है? 45 मिनट्स। ओके, थैंक यू। बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया है तुम्हें। क्या बात है, कोई जरूरी काम? बेटी, मैं ये पूछना चाहती थी कि आजकल तुम हमसे इतने दूर दूर क्यों रहती हो? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, शायद यही मेरी किस्मत है, क्योंकि मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो अपने माँ बाप के सामने पलते हैं, उनकी बाहों में प्यार और ममता के झूले झूलते हैं, जिनकी पैदाइश पर माँ बाप जश्न मनाते हैं और शान से कहते हैं कि ये हमारी औलाद है, ये हमारा नाम रोशन करेगी। उसकी खुशियों के लिए वो अपना कलेजा निकाल कर रख देते हैं, मुँह से गले से लगाते हैं, उसका मुँह चूमते हैं और उसके दुख को देखकर उनका सीना ही फट जाता है। वो अपनी औलाद की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसकी खुशी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन मुझे जिंदगी में ये सब नहीं मिला, और बस एक खुशी तो आते आते ही रह गई। मुझे अब जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है मधु। मैंने ये माना कि हम अपनी मजबूरियों की कैद में रहकर तुझे वो प्यार नहीं दे सके जिस पर तेरा हक था। हमने तुझे प्यार के झूले में नहीं झुलाया, दुनिया के सामने तुझे अपनी औलाद कहकर नहीं पुकारा, मगर मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। 9 महीने अपने पेट में रखा है, तकलीफें सही हैं, दूध और खून का रिश्ता यूं खत्म तो नहीं हो जाता। मधु, तू हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तेरे शरीर में अगर जरा सी भी कहीं चोट लगेगी ना, तो हमारी आंखों से आंसू बहेंगे, और वो आंसू खून के आंसू होंगे मधु, खून के। मधु, याद है तूने एक बार मुझे कहा था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हम में से किसी एक को मरना पड़ेगा। मैंने और जगताप ने यह फैसला किया है कि हमें से अगर किसी को जिंदा रहना है तो वो सिर्फ तू है। हर हाल में तू ही जिंदा रहेगी। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहती हो।
जो मैं कहना चाहती हूं वो मैं करके दिखाऊंगी। मैं तेरी मां हूं, तेरी खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकती हूं। जो खुशी तुझे नहीं मिली उस पर किसी और का हक भी नहीं हो सकता है, किसी का नहीं। पिंकी, ओ मधु। हाँ मैं, I'm sorry कि मैंने तुम्हें पिंकी के नाम से यहाँ बुलाया। अगर मैं अपने नाम से बुलाती तो तुम शायद आते ही नहीं। मधु क्या बात है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम हफ्तों से सोई नहीं। अगर तुम मेरे मन में झांक कर देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि मैं सदियों से नहीं सोई हूँ। मैंने सच कहा और तुमने कविता बना दिया इसे। नहीं विक्रांत, ये कविता नहीं है, यही मेरी हालत है। मैं प्यास की वो धारा हूं जो शून्य से शुरू होती है और शून्य पर ही खत्म हो जाती है। फिर मैं तुम्हें 2 दिन से मिलने की कोशिश कर रही हूं और मिल ही ना सकी। शुक्र है कि आज हम मिल तो गए। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो विक्रांत? एक अजीब सी हालत है, एक डर सा समाया हुआ है मेरे मन में। जो शक मेरे दिल में है उसमें कहीं एक सच्चाई भी है, और वो ये है कि मेरे माँ बाप दोनों मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मधु मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं और किस तरह चाहते हैं, लेकिन शायद वो मुझे नहीं जानते। मैं ये भी जानता हूँ कि वो कितने खतरनाक हैं, लेकिन मुझ में उन खतरों से मुकाबला करने की हिम्मत है। जोर जबरदस्ती से कोई मुझे अपने इरादों से हटा नहीं सकता। मैं तुम्हें सिर्फ सावधान करने आई हूँ विक्रम, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई ऐसी वैसी बात हो, बट फॉर श्योर मुझे अपने माँ बाप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल को वो कोई गलत कदम उठा बैठे तो मैं तो तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं रहूंगी। मधु शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने उनके इरादों से मुझे सावधान कर दिया। सुना है कि पिंकी भी तुमसे आजकल नहीं मिल रही। सच सुना? क्यों मधु? उसे इस बात का बुरी तरह एहसास हो रहा है कि उसकी वजह से, उसके प्यार की वजह से मैं खतरों में घिरा हूं। ये ख्याल है उसका कि अगर मैं उससे दूर रहूंगा, उसकी जिंदगी से दूर रहूंगा, उससे रिश्ता तोड़ लूंगा तो मैं महफूस रहूंगा। ये सिर्फ पिंकी का भ्रम है। सच तो ये है कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से मुझे जिंदगी भर तुमसे शर्मिंदा रहना पड़े। थैंक यू विक्रांत। तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो। तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करना, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। प्लीज कहीं मत जाना, वेट फॉर मी। तब तक तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। ओके। वेटर। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे माफ कर दो, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तुम्हें फोन करूं
तुम्हें मिलने आऊं। तुम निकल जाओ मेरे घर से। मधु मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से। पिंकी प्लीज प्लीज चिल्लाना बंद करो। तुम्हारी मम्मी बाहर है और मैं अपना अलग नाम बता कर आई हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं मधु हूँ तो मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगी। तुम क्यों मुझसे मिलने आई हो? अब क्या चाहती हो मुझसे तुम? समझी मधु, मैंने विक्रांत से प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है मैंने उससे, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी पर कोई भी आ जाए। इसलिए मैंने अपने सारे रिश्ते विक्रांत से तोड़ दिए हैं। अब मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। अब वो मेरी तरफ से आजाद है, क्योंकि उसे उसे सबसे बड़ा खतरा तो तुम्हारे बाप से ही है ना। अब तो खुश हो तुम? जाओ, चली जाओ यहां से। मैं उसकी जिंदगी से दूर जा रही हूं हमेशा के लिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू क्या चाहती हो तुम बताओ? पिंकी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी अभी विक्रांत से मिलकर आ रही हूँ, और मैंने पहली बार उसके चेहरे पे ऐसी उदासी देखी है, जबकि हम सब जानते हैं कि वो कितना जिंदा दिल इंसान है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है। लेकिन अब धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स से भी अपना जी चुराने लगा है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, सिर्फ तुम्हारे सहारे की। कुछ ऐसा मत कर बैठना कि विक्रांत पूरी तरह से टूट जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहती हो मुझसे और क्या करूं मैं। तुम जो सोच रही हो पिंकी वो गलत है। प्यार दिल की बात है, जोर जबरदस्ती की तो नहीं। और फिर मैंने अपने आप को तुम दोनों से हमेशा के लिए अलग कर दिया है। तुम्हें विक्रांत से मिलना चाहिए, तुम उसे दूर मत जाओ। जिसे विक्रांत से दूर होना है, होना चाहिए, वो तो जा ही रहा है। मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आई हूं। इस वक्त विक्रांत तुम्हारा ड्रीम क्ला रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है। जाओ मिलो उससे। और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। I'm very sorry.
हेलो हेलो राजेश, मैं प्रगति बोल रही हूँ। प्रगति, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि कानों में घुंघरू बज रहे हों। घुंघरू? दरअसल मुझसे गलती हो गई, घुंघरू नहीं, पायल की आवाज सुनाई देती है। पायल? हाँ प्रगति, और मुझे इंतजार है उस दिन का जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओगी। तुम्हारे पैरों में पायल होगी और वो पायल छम 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 करेगी। राजेश, दरअसल वो छम छम पायलों की आवाज नहीं होगी, मेरे दिल की आवाज होगी। दरअसल तुम्हारे दिल की आवाज मैं साफ सुन सकता हूँ प्रगति, इस वक्त वो मेरे लिए धड़क रहा है। सही कहा तुमने, मेरे दिल की सारी धड़कनें तुम्हारे लिए हैं। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये तो बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया है? राजेश, मैं पिंकी और विक्रांत को लेकर काफी परेशान हूँ। पिंकी और विक्रांत? हाँ, तुम तो जानते ही होगे कि पिंकी और विक्रांत के बीच पहले से ठाकुर भूपेंद्र सिंह थे, अब मधु भी आ गई। हाँ मैं जानता हूँ प्रगति, मैं ये भी जानता हूँ कि मधु नम्रता और जगताप की बेटी है। जगताप ने विक्रांत को धमकी भी दी थी। प्रगति, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ, और अब इसी की वजह से पिंकी ने विक्रांत से मिलना ही छोड़ दिया। इस बात की फिक्र नहीं है मुझे प्रगति, इस खतरे के टलने के बाद वो लोग फिर भी मिल सकते हैं। मुझे फिक्र उन लोगों की है जो कभी भी इन बच्चों की जान के दुश्मन बन सकते हैं। राजेश, अब हम दोनों काफी दिनों तक घर से बाहर भी नहीं जा सकते, मुझे तो डर है कि कहीं इस बीच कोई गड़बड़ हो गई तो। प्रगति, इसका एक सीधा साधा इलाज है मेरे पास। वो क्या? तुम पिंकी से कहो कि वो कुछ दिन घर से बाहर ना जाए, हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहे। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।